दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तीन विषयों पर, और वो तीनों बातें जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला जो बात है वो है रॉकेट व्लॉग्स के ऊपर। बहुत सारे सवाल थे कि रॉकेट व्लॉग्स का चैनल क्या हुआ, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद जो है बी बॉयज का जो वीडियो आया है उसका जो व्लॉग आया है, व्लॉग आने के बाद लोगों में एक क्वेश्चन जाग रहा है कि भाई क्या बी बॉयज जो है वो रिटर्न हो गया, केदारनाथ तुसे जाने नहीं मिला, ऐसे सवाल उनके दिमाग में है। और तीसरी जो बात है भाई वो नागालैंड से रिलेटेड है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई रॉकेट का क्या हुआ, क्या उसका जो चैनल जो हैक हो गया था और हैक होने के बाद डिलीट हो गया था वो उसे वापस मिला या फिर उसे नहीं मिला, उसने नया चैनल स्टार्ट किया। तो भाई आप सबकी जो टेंशन है ना भाई, मैं उसको दूर कर देता हूं। देखो रॉकेट जो है, रॉकेट को अपना चैनल वापस मिल चुका है, और अब आप उसे सर्च कर सकते हो, उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उनके वीडियोस को फिर दोबारा से देख सकते हो। उनके जो वीडियोस जो जनरली क्या होता है कि देखो भाई कोई चैनल अगर हैक हो जाता है तो डिलीट हो जाते हैं, वो वीडियोस अभी भी मौजूद है और उन वीडियोस को आप देख सकते हो। उसके बाद जो दूसरा सवाल लोग अक्सर पूछ रहे थे वो था बी बॉयज को लेकर के। भाई बी बॉयज जो है अपना बी बॉयज, क्या वो केदारनाथ नहीं जा पाया? देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि केदारनाथ की यात्रा में बी बॉयज को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचा, वहां पर क्या हुआ कि जो बारिश है वो काफी ज्यादा होने लगा और उसके बाद फ्लड का सा सिचुएशन हो गया, जिसकी वजह से केदारनाथ का जो यात्रा है उसे रोक दिया गया था। जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी केदारनाथ पे एक बार बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जिस वक्त बहुत सारे लोग बह गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने केदारनाथ की यात्रा को जो है वो रोक दिया था। और उसके बाद रोकने के बाद क्या हुआ, बी बॉयज को भी वहां पर जाने को नहीं मिला। तो भाई ये तो उनके सेफ्टी के लिए किया गया काम था, जो कि बहुत अच्छा था। और अब मैं आपको बताऊं कि बी बॉयज जो है वो अपने इंस्टाग्राम में अपना फोटो शेयर कर चुका है और वो यात्रा के लिए निकल चुका है। जो फोटो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है थंबनेल में देखा था ना भाई, हाँ वही फोटो जो है, यहाँ आप साइड में देख लो, ये फोटो उसने अभी भी शेयर किया है और वो जो है यात्रा के लिए निकल चुका है। मतलब वहां की गवर्नमेंट ने जो है वो यात्रा को चालू कर दिया है। तो केदारनाथ के लिए बी बॉयज जा चुका है, और वहां का व्लॉग आपको, केदारनाथ का व्लॉग देखो, वो साइकिल में नहीं जाने वाला है केदारनाथ, क्योंकि वहां पैदल जाना पड़ता है, तो वो पैदल निकला है और वहां के खूबसूरत व्लॉग्स जो है वो बना करके आपको जरूर देने वाला है। अब जो तीसरी बात है नागालैंड से। देखिए भाई नागालैंड जो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जहां से आज तक भी कोई भी बंदा जो है वो डांस शो में नहीं गया है, रियलिटी शो में नहीं गया है। उस जगह से जो है एक बंदा है मितेम्सु नागा करके, वो जो है वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में जा चुका है और वहां पर उसने परफॉर्म किया है। और परफॉर्म ही नहीं, ऐसा ऑसम उसने परफॉर्म किया है ना भाई, वो सेलेक्ट हो चुका है। मैं देखो भाई क्लिप्स जो है वो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उसका जो डांस था ना, कसम से ऑसम डांस था, और वो सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आप उसके वीडियोस को देखना चाहते हो, आपको यूट्यूब में उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के उसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, तो भाई लाइक करके कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो, मुझसे चैट करना चाहते हो, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और आप चाहते हो कि मेरे व्लॉग्स देखो, तो भाई बहुत ही जल्दी मेरे व्लॉगिंग चैनल पर कमाल कमाल के व्लॉग्स आने वाले हैं, जहां पर अभी भी कुछ व्लॉग्स जो है वो मौजूद है। आप उस व्लॉगिंग चैनल को करके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।